तो सीता सोरेन का तो आपने बयान सुन लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा टीवी 45 पर। लेकिन अगर हम गीता कोड़ा की भी बात करें तो गीता कोड़ा को भी हार मिले सिंहभूम सीट पर, वहां पर जोबा मांझी ने बाजी मारी और गीता कोड़ा से भी बातचीत की हमारे स्टेट हेड राकेश जी ने। तमाम गतिविधियों के बीच से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और ऐसे में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। गीता कोड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गीता जी, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है अब, खास करके जिस तरीके से आप लगातार राजनीति में बढ़िया काम कर रही थी, बेहतर काम कर रही थी, लोकसभा में हार हुई है, किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से देखें? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मैं इससे निराश नहीं हूं, बल्कि उम्मीद है कि जिस तरह से जनता ने इतने नेगेटिव प्रचार होने के बाद भी जनता ने जिस तरह से बहुमत दिया, जिस तरह से वोट दिया और झारखंड की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरमाथे बैठाया है, तो निश्चित रूप से ये धन्यवाद है उन सभी जनताओं को। लेकिन जो हार जीत है उसकी समीक्षा होगी कि भाई किन जगहों पर क्या चूक हुई है या क्या हुआ है, तो ये संगठन इसको करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खास करके 5 आदिवासी सीटों की जब हम चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जिस इलाके में हैं वहाँ की बड़ी भूमिका होती है, किस तरीके से इन सारे प्रकरणों को देखेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल तब खड़ा होगा जब चर्चा होगी कि आदिवासियों को किस तरीके से बीजेपी लेकर आगे चलेगी। देखिए, बीजेपी ने सबसे ज्यादा अगर काम किया तो आदिवासियों के लिए काम किया, अलग मंत्रालय बना करके उनके लिए अलग फंड ये करके 24 या 26 हजार करोड़ का फंड दे करके उनके लिए काम करने का प्रयास किया है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई लोगों तक नहीं पहुंच पाए, या जिस तरह से जो संविधान को लेकर के विपक्ष लगातार बोल रही थी कि भाई संविधान खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब चीजें अब समीक्षा होंगी पार्टी में, पार्टी स्तर पर, तो ये सब चीजों पर अंतिम सवाल करेंगे। विधानसभा का चुनाव भी होना है, किस तरीके से जाएंगे आप पूरे इलाके की, कोल्हान की चर्चा करेंगे क्योंकि आप लोगों की भूमिका काफी अहम मानी जाएगी, किस तरीके से जाएंगे विधानसभा चुनाव? देखिए, हम लोग को जो जिम्मेदारी देगी संगठन उस अनुरूप हम लोग चलेंगे, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगी लोकसभा का या विधानसभा का हम लोग उस अनुरूप काम करेंगे। तमाम चीजें खास करके, और जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरीके के माहौल के बीच हम चर्चा कर रहे हैं, और गीता कोड़ा कहीं ना कहीं एक बार फिर से बातचीत कर रही है कि आखिर समीक्षा के बाद से तय होगा कि उनकी भूमिका किस तरीके से होगी और कोल्हान जैसे इलाके में फिर से एक बार पार्टी किस तरीके से अपने आपको स्थापित करने की कोशिश करेगी। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, टीवी 45, रांची।